फाइनली आदिल खान दुरानी की एक्स वाइफ राखी सावंत इंडिया पहुंच गई। वेलकम टू माय चैनल। खुश हो इस बात की जाए राखी सावंत के बारे में, तो जहां राखी सावंत के इंडिया आने की न्यूज सुनते ही आदिल खान दुरानी बहुत ज्यादा खुश हुए। वहीं आदिल खान ने राखी सावंत के इंडिया आने पे उन्हें वेलकम भी कहा। आदिल खान दुरानी के बारे में तो सोशल मीडिया पे आदिल खान दुरानी ने अपनी एक वीडियो शेयर की, जिसमें आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत को वेलकम कहते हुए कहा कि अब उसका राखी सावंत से कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं बल्कि आदिल खान दुरानी का ये भी कहना था कि मुझे अब राखी सावंत से कोई गिला शिकवा नहीं है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा मैं उसे मानूंगा। अगर राखी सावंत मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती है तो मुझे इस बात पे भी कोई एतराज नहीं। बल्कि आदिल खान दुरानी का ये भी कहना था कि मेरी और राखी सावंत की कंट्रोवर्सी का चर्चा पूरी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुका है, मैं इसे और मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। आगे क्या कहना था आदिल खान दुरानी का, इस हवाले से मैं कम्प्लीट वीडियो आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। क्या आदिल खान को राखी सावंत के इंडिया आने पे उन्हें वेलकम कहना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिए। हम लोग इस चीज को अपोज करना बंद करते हैं। जब हम लोग अपोज करते थे, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल नहीं दी, सेशन कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने दो बार बेल रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने दो बार बेल रिजेक्ट की, दोबारा हाई कोर्ट आई, दोबारा बेल रिजेक्ट हुई, हम हर बार अपोज करते थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम ठीक है, हम अपोज नहीं करेंगे। ये चार हफ्ते जब वो आएगी उसको हम बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे, उसको आने दो, जो मर्जी करने दो। तब जाके अभी वो आई है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस मीडिया के द्वारा या मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा, इसको जो भी कोर्ट का फैसला है, सज़ा है, जो है, बेल है, कोर्ट में देखते हैं। आप एक एंटरटेनर हो, मैं एक एंटरटेनर हूँ, हम अच्छा कंटेंट देंगे इस समाज को, इस लोगों को। मुझे आपके बारे में कोई नहीं बात करना, आप भी मेरे बारे में नहीं बात करो। अगर आपको मेरे बारे में ही बात करके ज़िंदगी जीना है, मेरे नाम से फुटेज लेना है, मेरे नाम से ही आपको ज़िंदगी करना है, तो आप कर सकते हैं जो आप यूजुअली करते हैं। मुझे कोई ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है।